नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शाक्य आपकी ज्यामिति की दूसरी कक्षा लेकर उपस्थित हूँ। पहला वीडियो जो था उसमें हमने क्या सीखा था, हमने बिंदु रेखाएं से संबंधित क्वेश्चन जो थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आसान होते हैं लेकिन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, वो पूछे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, पहले आप वो वीडियो देखिए और उससे क्या होगा, आपका रिविज़न एक अच्छा हो जाएगा, फिर आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए आइए करते हैं आगे कंटिन्यू। तो हमारा टॉपिक है रेखागणित। तो इसमें हम सबसे पहले रेखाओं के बारे में जानेंगे। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो आप एक दूसरे को कहीं भी काटती नहीं है, चाहे उन्हें कितना भी बढ़ाया जाए वो किधर भी प्रतिच्छेदित एक दूसरे को नहीं करेंगी। प्रच्छेदी रेखाएँ जो एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रच्छेदी रेखाएँ कहेंगे। लंब रेखाएँ जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, बिल्कुल 90 अंश के कोण पर, चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, ठीक है। तो ये तीन तरह की रेखाएँ होती हैं हमारी। फिर कोण आते हैं, कोण तो जानते होंगे, जब प्रच्छेदी रेखाएं होंगी तो क्या बनाएंगी, कोण बनाएंगी। तो कोण जो होते हैं लगभग योग के हिसाब से तो दो तरह के होते हैं, कोटिपूरक जिसे कम्प्लीमेंट्री कहते हैं, यानी कि ऐसे कोण जिनका योग क्या हो 90 अंश हो, और संपूरक सप्लीमेंट्री यानी जिनके कोण 180 हो। ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अगर कोटिपूरक पूछा है तो 90 योग होगा कि 180 होगा, तो ऐसे याद रखना संपूरक मतलब संपूर्ण, संपूरक मतलब संपूर्ण, मतलब संपूर्ण मतलब ज़्यादा होता है बड़ा, इसका मतलब ऐसे याद रहेगा कि संपूरक होता है 180। तो कोटिपूरक अपने आप क्या हो जाएगा 90। एक चीज़ को किसी से रिलेट कर लो तो दूसरी चीज़ अपने आप याद हो जाएगी। हमने संपूरक को संपूर्ण मान लिया, यानी कि संपूर्ण मतलब ज़्यादा यानी 180। तो दो जिन दो कोणों का योग 180 होता है उन्हें हम कहते हैं संपूरक। अब इसमें क्या होगा, देखो अगर पूछा गया जिसका भी संपूरक, जैसे बोला गया 30 डिग्री का कोटिपूरक बताओ, तो कोटिपूरक यानी कि 90 में से घटा देना है आपको, कोटिपूरक मतलब 90 में से घटा देना है। 30 डिग्री का संपूरक कितना होगा, 180 में से घटा देना है। तो इस तरह से आपको संपूरक और कोटिपूरक निकालते हैं। इसके और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम आगे अभी सॉल्व करेंगे, इसमें आज हम इन्हीं को देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कोण क्या होते हैं। कोण दो तरह के होते हैं, एक समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण को नापा जाता है रेडियन में और ठोस कोण को नापा जाता है स्टेरेडियन। समतल कोण तो आप जानते ही होंगे, ऐसे कोना मिल रहा है, इस बोर्ड का भी कोना कहाँ मिल रहा है वो समतल कोण है आपका, 30 डिग्री 90 डिग्री आप नाप सकते हैं। ठोस कोण क्या चीज़ होता है, ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता ठोस कोण क्या होता है। जैसे आपकी पेंसिल की नोक है, जो बर्थडे वाली टोपी होती है उसकी नोक है, होती तो वो नोक कोण पे ही, लेकिन वो कैसा कोण होता है, वो 3D कोण होता है, यानी कि वो कैसा होता है ठोस कोण। तो उसको नापा जाता है किसमें, स्टेरेडियन में। तो आइए इनसे देखते हैं कुछ सवाल जो अभी कर रहे थे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, 50 डिग्री का कोटिपूरक बताओ। तो बहुत आसान है, मैंने कहा संपूरक 180 होता है, तो कोटिपूरक 90 में से घटाना है सीधा सीधा, इसको 90 में से 50 घटा दिया कितना आ गया 40। अगला आप देखेंगे कौन सा कोण अपने संपूरक कोण के बराबर है। अब देखो ऐसे कैसे करेंगे, तो जब बराबर बोला गया है तो आप देखो, मैं एक तो आप दिमाग भी लगा सकते हो, संपूरक यानी 180 है, 180 को ऐसे दो कोणों में जो बराबर बराबर हो बांट देना है, यानी कि 180 को बराबर बराबर बांट दो, हो गया कितना आपका, हो गया एक हो गया क्या नाम, तो आपका एक हो गया कितना 90, दूसरा 90। कोटिपूरक कौन सा कोण अपने कोटिपूरक के बराबर है, तो 90 को दो बराबर भागों में बांट देना है, 45 45, आंसर आ गया 45 आपका। तो इस तरह से ये जो है किए जाते हैं, लेकिन इसको मैं एक बेसिक तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो इसको आप बहुत आसानी से, आप इस ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से अनुपात की तरह कर सकते हो। जैसे कौन सा कोण अपने संपूरक के बराबर है, तो अनुपात मान लो 1:1, बराबर का मतलब क्या होता है, एक एक है कि नहीं, मेरे हिसाब से दोनों का योग कितना है 2, सवाल के हिसाब से दोनों का योग होना चाहिए क्या संपूरक यानी कि 180, तो 1 बराबर क्या आएगा 90। तो इस तरह से आप कर लेंगे। देखो इसमें कैसे होगा, कौन सा कोण अपने कोटिपूरक के बराबर है, 1:1, बराबर बोला तो 1:1, ठीक है, अब बराबर बोला तो 1:1, अब मेरे हिसाब से योग 2, सवाल के हिसाब से कितना 90, क्योंकि कोटिपूरक है, 1 बराबर क्या आएगा 45। अब देखो अगला, यहाँ आपको ये अनुपात वाला सिस्टम समझ में आएगा, कौन सा कोण अपने कोटिपूरक का 2 गुना है, तो आपने मान लिया 1:2, सही है, 3 गुना होता तो 1:3, अब मेरे हिसाब से योग कितना हो गया 3, सवाल के हिसाब से कोटिपूरक है तो कितना 90, 1 बराबर आ जाएगा 30,
सही है, दोगुने वाला पूछा, इसमें 30 गुना कर दो, यानी कि 60, सही है। इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे आसानी से, दो गुना है, तीन गुना है। और आइए और देख लेते हैं इसमें, और तो आपका क्वेश्चन है कौन सा कोण अपने संपूरक का दो तिहाई है। तो आपको क्या करना है, फिर से मान लेना है पहला एक हो जाएगा, दूसरा दो तिहाई, सही है। अब तीन को यहाँ कर देंगे तो ये अनुपात आ जाएगा 3:2, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है, दोनों का योग मेरे हिसाब से 5, सवाल के हिसाब से संपूरक है तो 180, एक बराबर निकालोगे तो 5 15 और 5 6 30 36, सही है। कौन सा पूछ रहा है आपका, पीछे वाला पूछ रहा है, दो वाला, दो तिहाई वाला, दो तिहाई की साइड ये है 2, इसमें आप कर दो 36, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, 72, सही है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेने हैं। आइए एक और देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। तो आइए देखिए, कौन सा कोण अपने संपूरक का आधा है। आधा का मतलब पहला एक मान लो, दूसरा आधा यानी 1:2, इसका यहाँ 2 का यहाँ गुणा कर दो, 2:1। मेरे हिसाब से योग 3, सवाल के हिसाब से योग संपूरक है तो इसका मतलब 180, एक बराबर कितना आएगा आपका 60 आएगा, कितने गुने पर, हर चीज़ 60 गुने पर, तो यही वाला पूछा है इधर वाला, तो इसमें 60 गुना कर दिया तो आंसर आ गया आपका 60। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन है 30 डिग्री को रेडियन में व्यक्त करो। तो देखो रेडियन में क्या होता है, रेडियन में पाई लगा होता है, रेडियन में कोई वैल्यू होगी तो उसमें पाई होगा, याद रखना। वैसे आपकी पाई की वैल्यू होती है 3.46 ऐसी कुछ होती है, यानी कि 22/7 होती है, लेकिन रेखागणित में कोणों की दृष्टि से पाई का मान जो होता है वो 180 होता है, ठीक है, याद रखना। कब, रेखागणित में कोणों के हिसाब से। तो इसमें हमें रेडियन व्यक्त करना है, यानी इस कोण में हमें क्या लगा देना है, पाई लगा देना है, तो हम इसमें गुणा कर देंगे पाई बटे 180 से, ठीक है। जब रेडियन व्यक्त करना है तो पाई बटे 180 से कर दिया, जब रेडियन हटाना है तो 180 बटे पाई से कर देंगे, ठीक है। अब इसको काटोगे 3 6 18 यानी पाई बाई 6, ठीक है। इसी तरह से अगर क्वेश्चन दिया होता 2π/3 को डिग्री में व्यक्त करो, डिग्री में व्यक्त करो, तो अब देखो कैसे करना है, 2π/3 यानी कि डिग्री में करना है तो पाई हटना चाहिए, तो 180 बटे पाई से आप इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई कटा, 3 6 18 कितना आएगा 120 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके चलते हैं, याद रखेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ मैं आपको दे देता हूँ, इसका आपको आंसर कमेंट करना है। आपका है पाई बाई 4, इसका आपको बताना है कमेंट में कि डिग्री कितनी निकलेगी, ठीक है। और 135 अंश इसका रेडियन मान कितना निकलेगा, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए मिलते हैं रेखागणित को आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, थोड़ा सीखते हैं आगे इसको, थोड़ा बेसिक है, बड़ा चैप्टर टॉपिक है, इसमें अगर हम प्रारंभ कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा बहुत। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।